तो दोस्तों आईपीएल 2020 से पहले जिस चीज का हम सबको इंतजार था, फाइनली बीसीसीआई ने वो सारा कुछ रिलीज कर दिया है। दोस्तों बीसीसीआई ने फाइनली आईपीएल 2020 का एकदम कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया है और आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2020 का आपको पूरा शेड्यूल ए टू जेड तरीके से दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीमें जबरदस्त शुरुआत करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले शेड्यूल के बारे में बात करें तो दोस्तों जो हमने आपको 10 से 15 दिन पहले अपनी वीडियो में बता दिया था कि 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच आईपीएल का शेड्यूल आने वाला है, 14 से लेकर 16 फरवरी के बीच सबसे ज्यादा चांसेस है और आखिरकार वही हुआ। 15 फरवरी को दोस्तों बीसीसीआई ने फाइनली पूरा का पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया और साथ ही साथ बता दें कि दोस्तों स्टार्टिंग डेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 29 मार्च को ही आईपीएल 2020 का सीजन शुरू होने वाला है और वहीं आईपीएल 2020 का लास्ट मुकाबला, बिल्कुल जो लास्ट मैच है, 24 मई को फाइनल मुकाबला होने वाला है। दोस्तों मुंबई और चेन्नई के बीच आईपीएल 2020 का सबसे पहला मुकाबला होने वाला है। और अब अगर शेड्यूल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये लीजिए, स्क्रीन पर आप पूरा का पूरा शेड्यूल देख रहे होंगे। दोस्तों जो आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं वह दोस्तों आईपीएल के पहले 28 मैचों का शेड्यूल है और अब जो आप तस्वीर देख रहे हो ये 29 से लेकर 56वें मुकाबले तक आईपीएल का ये सारा शेड्यूल है। दोस्तों मैंने पूरा का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप ए टू जेड सारे मैचेस के बारे में एकदम सारी जानकारी देख सकते हो। पूरा का पूरा टाइम टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप पूरा लिंक चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आईपीएल 2020 का शेड्यूल अब जो बीसीसीआई ने जारी किया है, इसके बाद दोस्तों अब लगातार आईपीएल 2020 का क्रेज बढ़ता जाएगा और अब फाइनली जो कि हर साल होता है शेड्यूल आने के बाद आईपीएल 2020 का सीजन हमको कुछ ही दिनों के बाद शुरू होता हुआ दिखने लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के आईपीएल में हमको शनिवार को कोई भी दो दो डबल हेडर मुकाबले नहीं देखने को मिलने वाले हैं। पहले सैटरडे और संडे को दो दो मुकाबले हुआ करते थे, इस साल दोस्तों सैटरडे को कोई भी दिन दो दो मुकाबले नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों एक दिन में सिर्फ एक ही मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2020 के सीजन में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।